दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में हैं और लगातार उनकी कस्टडी बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल तो जेल जा चुके हैं, परंतु अब जो उनकी धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, कागजी तौर पर नहीं। तो आप देखेंगे, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तब से लगातार उनकी जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो उनकी सीट पर बैठकर और वीडियो जारी कर रही है। मतलब इससे ये लग सकता है, और ये लगता भी है, उन्होंने अघोषित तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो आजकल वीडियो बना रही हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, जबकि वो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उनका आम आदमी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई पद नहीं है, दूसरा वो दिल्ली सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी वो वीडियो जारी कर रही हैं और उस तरीके से सेम टू सेम उस तरीके से वीडियो जारी कर रही हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जारी करा करते थे। मतलब उनकी कुर्सी पर बैठ के वो अब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के अब जाने के बाद कहीं ना कहीं अब उनकी कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। कुर्सी की लड़ाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सुनीता केजरीवाल, इन सब में शुरू हो गई कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो कन्फर्म हो चुका है और कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को रिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? इलेक्शन सर पर है, वो एक बात की बात है, परंतु कुर्सी की जो मारामारी है, कुर्सी की जो रेस है, वो शुरू हो गई है। और इस रेस के अंदर जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल है, क्योंकि अब वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से आजकल वो अपनी वीडियो जारी कर रही है, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, जबकि उनका आम आदमी पार्टी के अंदर कोई पद नहीं है, वो दिल्ली सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी वो किस हैसियत से, किस पद से इस तरह की वीडियो जारी कर रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय के अंदर क्या सुनीता केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है, या हो भी सकता है बहुत जल्द सुनीता केजरीवाल तमाम अपने जो निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको लेकर हमारे एलजी साहब के पास पहुंचे और अपने मुख्यमंत्री पद के लिए दावे को घोषित कर दें। खैर ये तो समय बताएगा। वैसे हमने अपनी पहली भी एक वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर अरेस्ट होते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस तरह का पूरा एक जो पटकथा थी, या आप ये कह सकते हैं कि एक फिल्म जो थी वो पहले से ही तैयार कर दी गई थी। तो आप ये मान सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होगी, और आने वाले समय में केजरीवाल के ऊपर और दिल्ली सरकार की जो आम आदमी पार्टी है, इनके ऊपर किस तरह की गाज गिरती है। क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रही है, एनआईए इंक्वायरी की बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खालिस्तान से जो समर्थक है वो भी इनके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे कि इन्होंने खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं उनसे फंडिंग ली है। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं चड्डा जी, हमारे राघव चड्डा जी, वो भी एक खालिस्तानी सपोर्टर के साथ देखी गई हैं ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन में। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दिखाता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी हैं और आतंकवादियों के साथ शायद मिले भी हैं। तो इनकी बकायदा जाँच होनी चाहिए। परंतु आज का मुद्दा यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? क्या सुनीता केजरीवाल? दोस्तों इन सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।